स्वागत है बच्चों कक्षा 7 के इस आज के हिंदी पठन पाठन सत्र में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाठ संख्या 13, एक तिनका। समझ रहे हैं आप? इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत। हिंदी साहित्य के बड़े जाने माने कवि रहे हैं हरियौत जी, और अपनी रचनाओं में हमेशा वो जीवन मूल्यों की बात करते हैं। इस कविता में भी हमारे जीवन का मूल्य छिपा हुआ है, मोरल वैल्यूज, कैसा जीवन हमें जीना चाहिए। तिनका आप समझ रहे होंगे, घास का वो टुकड़ा जो हवा में उड़कर के आंखों में पड़ जाता है ना। एक दोहा है ना कि तिनका कबहुन निंदिए जो पायंतर होए, कभी उठी आंखिन पड़े पीर घनेरी होए। कि हमें तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जैसे हम पांव तले रोते हैं जब कभी वह तिनका उड़कर आंखों में पड़ जाता है तो बड़ी गहरी पीड़ा देता है, बड़ा कष्ट पहुंचाता है। तो इसी तिनके की बात कर रही है कि तिनका क्या है। तिनके ने किस तरह से कवि के घमंड को चूर किया, एक धनी व्यक्ति के घमंड को चूर किया। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, क्या कहते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुड़ेर पर खड़ा। मुड़ेर मतलब घर की छत के ऊपर वो मुड़ेर पर खड़े थे, घमंड से भरे हुए ऐठे हुए। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। जब ये घमंड में ऐठे हुए खड़े थे अपने छत की मुड़ी पर, इधर उधर गर्व से सर उठाए ताक रहे थे, तो तिनके का एक टुकड़ा दूर से उड़ता हुआ आता है और इनकी आंख में पड़ जाता है। आंख में अभी बात की ना कि जैसे तिनका आंख में उड़कर पड़ता है तो गहरी पीड़ा देता है, तो वही बात है, तिनका उड़कर आंख में आ जाता है। मैं झिझक उठा, कवि कहते हैं कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। क्या होता है जब तिनका उड़कर आंख में पड़ता है तो कभी आंखें मलने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं, वो बिल्कुल झिझक उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं दर्द के मारे। आंख में तिनका पड़ा है, आंखों को मल रहे हैं अपने हथेलियों से, और मलते मलते आंख लाल हो गई है। लोगों ने घेर लिया है वो कपड़े को कि गुठली बना करके वो उसे फूंक करके आंख को सेक रहे हैं। लोग उनकी आंखों को सेकने लगते हैं, मूठने लगते हैं, और इनकी जो घमंड थी, इनकी जो अकड़ थी, जो अहंकार था, वो दबे पांव भाग लेता है, खिसक लेता है। तिनके ने इनका सारा अहंकार तोड़ दिया है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझ ने मुझे यूं ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी तरह से वो तिनका आंख से निकल गया, दूर हो गया, तब इन्हें चैन मिला, कुछ राहत मिली, और इनकी जो समझ थी उसने क्या कहकर ताने दिए कि तुम क्यों ऐठ रहे थे। तुम्हारे लिए तो एक तिनका ही बहुत है, एक तिनके ने ही तुम्हें मुसीबत में डाल दिया था, एक तिनके ने ही तुम्हारी सारी ऐठ खत्म कर दी थी, तो फिर ऐठना किस बात का। तिनके के सामने भी तुम्हारी क्या औकात, कोई औकात नहीं। तिनके ने तुम्हारी सारी हिकड़ी निकाल दी, तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दी, तो ऐठने की कोई बात नहीं है। एक छोटा से छोटा प्राणी भी, एक छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, वो हमारी ऐठ को दूर कर देती है, वो हमारे अहंकार को समाप्त कर देती है।
तो यह बताने की कोशिश की है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कि हमें ऐठ में नहीं रहना चाहिए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अहंकार को दूर करने के लिए एक छोटी सी वस्तु ही काफ़ी है, एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। तो गर्व नहीं करना चाहिए, गर्व रहित जीवन बिताना चाहिए, अहंकार रहित जीवन बिताना चाहिए। तो बच्चों इस कविता में भी ये जीवन मूल्य है कि हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए, हम कभी अहंकार नहीं करें, मन में किसी तरह की ऐठन का भाव नहीं रखें, सबों के प्रति विनम्रता का भाव रखें, सबों के प्रति दयालुता का भाव रखें, सबों के प्रति कोमलता का भाव रखें। तो जरूर ही यह कविता आपको पसंद आएगी, छोटी सी कविता है, बेहतर हो कि आप इसे याद कर लें। पिछले पाठ में रहीम के दोहे पढ़े थे, पांच ही दोहे याद कर लें और इस कविता को भी आप याद कर लें। जब कभी आपको मौका मिले स्कूल में बोलने का, कभी भाषण देने का, कभी किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को उसमें शामिल कर सकते हैं और तब आपके विचार बहुत प्रभावी हो जाएंगे, बहुत सघन हो जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आप अपने पाठ की कविताओं को याद करें, उसे याद रखें, याद कीजिए, कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, कॉपी में लिखिए, लिखते लिखते और बोलते बोलते फिर वो पाठ भी आपकी समझ में आएगा और कविता जो है वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। आप उसकी पंक्तियों का प्रयोग कहीं के पर करेंगे, अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपनी वाणी में, अपने विचारों में, लोग इसे पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे पढ़ें, फिर से याद भी करें, इसके प्रश्न उत्तर फिर हम आपको भेजेंगे और आपको फिर जो पाठ, जो चीज़ें पूछनी है, जो कहीं समस्याएँ हैं, तो आप हमसे संपर्क करेंगे, अपने हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक से संपर्क करेंगे और फिर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।